शुरुआत करने से पहले हम MBBS और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते पब्लिश करते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिंग को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द MBBS अब्रॉड सेशन टुडे। सो स्टूडेंट्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑलराइट is MBBS abroad followed by coaching. So before I start the session, there are very fundamental questions जो आपको अपने खुद को पूछना है, क्योंकि अगर clarity नहीं है तो unfortunately बहुत लोग हैं जो आपको गलत direction देके फंसा सकते हैं, ठीक है? तो पहले आपको समझना है ये MBBS करना क्यों है। Simple question है, आपको लगेगा ऐसे simple question क्यों पूछ रहा हूँ, but there is a reason. तो अगर ये क्लैरिटी आपको है तो आपको ये समझना है कि MBBS अब्रॉड अगर ऑप्शन सोचना है तो कौन सी कंट्रीज चूज करनी है। तो कंट्रीज ऐसी चूज करनी है जहां पर इंफ्रा अच्छा है, सो बांग्लादेश, नेपाल, ऐसी कंट्रीज सोचना नहीं है जहां पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, जैसे कि फिलीपींस। फिलीपींस में एनमैट एग्जाम होता है मगर आपको ये कोई बताएगा नहीं। एजेंट कहते हैं डायरेक्ट MBBS के लिए जा रहे हो, मगर रियलिटी में आप जाते हो BS के लिए। तो ऐसी कंट्री नहीं चूज करनी। बहुत इंपॉर्टेंट है MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। अगर MCI अप्रूव्ड नहीं है, वर्ल्ड डायरेक्टरी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, अगेन विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड लो कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। रादर देन स्पेंडिंग 70-80 lakhs only in a private medical college in India, I will save lot of money by going abroad plus learn the license examinations of the respective countries. I hope this is clear for everyone. And now let us understand very important thing. Statistically agar hum dekhenge तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 15-16 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये नंबर्स बढ़ रहा है हर साल। इंडिया में गवर्नमेंट की सीट सिर्फ 32,000 है, तो टेक्निकली ओनली 4% ऑफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट एन MBBS सीट। बाकी के लोग BDS, BAMS, फिजियो एक्सेट्रा वगैरह में चले जाते हैं, तो 50% तो वहां चले जाते हैं। कुछ लोग जिनका हायर बजट होता है वो ये ऑप्शन सोचते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बजट में इश्यू क्या है कि ये सिर्फ शुरुआत है। प्राइवेट में अंडर ग्रेड में 1 करोड़ रुपया, उसके बाद PG के लिए 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं, तो टोटल 3-4 करोड़ का ये मामला पहुंच जाता है, मगर ये आपको इनिशियली पता चलेगा नहीं। तो इंडिया में प्राइवेट आप जाओगे बहुत इश्यूज है। ऐसी ऐसी कॉलेजेस है जहां पर फैकल्टीज नहीं है, एनएट का लेक्चर पूरे पहले साल में हुआ नहीं है, कैडेवर नहीं है कि आप क्लिनिकल रोटेशन या क्लिनिकल काम करोगे तभी कोई किसी भी तरह की अच्छे आप कैडेवर पे काम कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो कैडेवर का क्या मीनिंग है, ह्यूमन बॉडी रखती है जिसपे आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये सारी चीजें नहीं होती, इसीलिए प्राइवेट में इतना मनी वेस्ट करके इंडिया में करना इज नॉट रिकमेंडेड। तो अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते, ठीक है? नाउ अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एजेंट्स हैं जो गलत यूनिवर्सिटी, गलत कोर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि MCI के वेबसाइट पे जाएंगे तो MCI अप्रूव्ड अराउंड 400+ यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से ओनली 45 यूनिवर्सिटीज है जो जाने लायक है अब्रॉड, ठीक है? तो मोक्स इज ट्राइंग टू एडुकेट एन अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप सही यूनिवर्सिटी में जाओ एंड यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर एंड यू कैन गेट अ डिग्री जिससे आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? सो कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी एंड अ कंट्री, उसकी कंप्लीट क्लैरिटी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं देने वाला हूं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द सीक्रेट्स एंड हाउ डू यू डिसाइड, कि कैसे डिसाइड करना है कि MBBS कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। सो व्हाट आर दोस 10 सीक्रेट्स, व्हाट आर द 10 सीक्रेट्स ऑफ MBBS अब्रॉड।
मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग अगर ये सीक्रेट समझ लो तो कभी किसी भी एजेंट के गलत रास्ते पे भेजने वाली यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचोगे, गलत कंट्री नहीं चूज करोगे और अपना करियर संवारोगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट क्या है? प्लान अप टू पीजी, नॉट अप टू एमबीबीएस। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज आज की डेट में सिर्फ एमबीबीएस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट नो वैल्यू। आप खुद गूगल कर लीजिए इंडिया में क्या रियलिटी है एमबीबीएस डिग्री की। ऑलराइट, अब भी आपको बता देता हूं, वेरी सिंपल। पिछले ही हफ्ते आर्टिकल आया था, इंडिया एमबीबीएस 1 करोड़। ऑलराइट, सब न्यूज़पेपर में आया था, 25 जून की बात है, तो आप टाइप कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा क्या रियलिटी है। डॉक्टर्स इन इंडिया आर गेटिंग पर सैलरी पैकेज इन स्पाइट स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो आज की डेट में एमबीबीएस डिग्री की ये वैल्यू है, आप खुद गूगल कर सकते हैं, सारे सारे न्यूज़पेपर में आया था कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में 20 लाख 30 लाख साल के टोटल करोड़ रुपए देगी, सैलरी क्या आ रही है मंथली 30-40 थाउजेंड, मंथली 25 थाउजेंड, मंथली 50,000। तो इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट सच मनी और अगर रिटर्न ये रहने वाले हैं तो आई मीन हाउ इज आपका मैथ कैसे बैठेगा, मुझे बताओ। व्हेन विल यू इवन स्टार्ट अर्निंग, ये तो आप लोन चुकाने में आपके सारे वेस्ट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो है कि वैल्यू स्पेशलिस्ट लेवल पे है, आपकी डिमांड रहेगी जब आप कोई सर्जन होगे या कार्डियोलॉजिस्ट होगे या नेफ्रोलॉजिस्ट होगे, क्योंकि आप खुद भी अपने फ्रेंड्स फैमिली में चेक कर लो, एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट अ स्पेशलिस्ट टुडे, कोई प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाता। इसीलिए जो पीजी की आपकी प्लानिंग करनी है, एमबीबीएस एज अ करियर की प्लानिंग करनी है, वो पीजी तक करनी है। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ये प्लानिंग कौन करवाएगा? एक करियर प्लानर कराएगा, ना ही कि एडमिशन एजेंट। एजेंट का काम है यूनिवर्सिटी में भेजो, कमीशन कमाओ एंड दैट्स इट, द स्टोरी इज ओवर। बट अगर करियर प्लानर रहेगा तो वो आपको पीजी तक पूरा डायरेक्शन देगा, कंप्लीट डायरेक्शन अप टू पीजी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट एफएमजी नेक्स्ट कोचिंग इज मैंडेटरी व्हाइल स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। कोई यूनिवर्सिटी आपको वहां पर प्रिपेयर नहीं करती, मगर यहाँ पे इंडिया में कुछ एडमिशन एजेंट्स है जो कहते हैं नहीं, आप यूनिवर्सिटी में और आपको कोचिंग मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। सो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को रिसर्च करना, अदरवाइज यू विल बी जस्ट हैविंग अ डिग्री विदाउट एनी यू नो वैल्यू। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग। ऑलराइट, एवरी ईयर 7 साल से लोग जा रहे हैं अब्रॉड, ठीक है, ओनली 15% ऑफ देम आर कमिंग बैक विद अ प्रॉपर डिग्री, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा रहे हैं। पिछले 5 साल का ऑफिशियल डेटा है, आप खुद गूगल कर सकते हैं, 100 में से 85 लोग सिर्फ और सिर्फ कागज की डिग्री लेकर वापस आ रहे हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे इंडिया में। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि गलत यूनिवर्सिटी एजेंट ने रेकमेंड की है, गलत कंट्री रेकमेंड की है, एंड देर आर 25,000 प्लस डॉक्टर्स करंटली इन इंडिया जो अब्रॉड से एमबीबीएस कर आए हैं और आज तक एफएमजी एग्जाम पास नहीं किए। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कैटेगरी में फिट होना है। क्या आपको 15% जो लोग सक्सेसफुली आज की डेट में फोर्टिस है, मेदांता है, अपोलो है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज इंडिया, प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया की ले लीजिए, आज की डेट में ये बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
क्या आपको ये वाले कैटेगरी में रहना है या 85% जो फेल हो चुके हैं, जिन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है, कुछ लोग फार्मा इंडस्ट्री में मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल सेंटर ज्वाइन हो गए हैं और कंप्लीटली अपने 30 लाख रुपीज वेस्ट कर दिए। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। डू यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ 85%? देन प्लीज लिसन टू ऑल द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाई एजेंट। एंड इफ यू वॉन्ट टू बी इन 15%, तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग करनी है अप टू पीजी एंड डू नॉट गो अब्रॉड फॉर एमबीबीएस विदाउट एफएमजी नेक्स्ट कोचिंग। अगर कोई भी एजेंट कहता है कि यूनिवर्सिटी कोचिंग ऑफर कर रही है तो अग्री मत करो, उनको बोलो मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, मैं लॉगिन करके आपका ट्रायल चेक करूंगा फिर ही जाऊंगा अब्रॉड, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। ओनली मोक्ष इज प्रोवाइडिंग द एमसीआई एंड यूएसएमएलई कोचिंग फॉर 5 ईयर्स कंप्लीट सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीपल विल चीट यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे रिसर्च करना है वो टूल्स भी मैं बताऊंगा। चूज ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, कोई भी रिसर्च करना है एक टूल है वर्ल्ड डायरेक्टरी WOMS, यहां पर चले जाइए, सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी एंड फाइंड वेदर योर यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड और नॉट, राइट। आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई ऑल द डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज यू नो यू हैव टू फर्स्ट लिसन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल राइट। याशिका, यश, यश शेरावत, यश जाधव, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, यहां पर चले जाइए, आप कोई भी कंट्री टाइप करिए, फॉर एग्जांपल मैं यूक्रेन सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, एग्जांपल लवीव सिलेक्ट करता हूं, यहां पर कॉलेज ओपन किया मैंने, तो ये जानना जरूरी है कि वेदर माई कॉलेज इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड डायरेक्टरी और नॉट। बहुत सारी कॉलेज तो वर्ल्ड डायरेक्टरी में लिस्टेड भी नहीं है। दूसरा, कब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट है और मिनिमम 100 ईयर्स ओल्ड है, तो रेकमेंडेड ऑप्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, क्या ये ग्लोबली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है। तो अगर किसी को यूएसएमएलई की पढ़ाई करनी है तो ये यूनिवर्सिटी इस ECFMG अप्रूव्ड। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, 10-20 साल पुरानी है, डू नॉट कंसिडर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड बाय ECFMG, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है, ऑफकोर्स आप यू नो बिलीव करना है तो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे बिलीव करना है। तो अभी किसने पूछा है कि रशिया का क्या सिचुएशन है, तो आपको मैं बता देता हूँ रशिया में किस तरह से होता है। और यही एम्बेसी को यू नो कंसीडर करके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यूनिवर्सिटी अब्रॉड वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बेसी ऑफ रशिया में चले जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, तो आपको ये सारे रिसर्च खुद करना है, सो दैट नोबडी टीच यू नो फूल्स यू, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप चले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी कंट्री और कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें से ये मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन। बहुत सारे एजेंट्स ने फंसा के यूनिवर्सिटीज में भेज दिया है जहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन रशियन, 3 साल इंग्लिश 3 साल रशियन होता है, फिर आप इंडिया में आके कैसे एफएमजी पास करोगे, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया है वेरी क्लियरली, स्टूडेंट को मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑलराइट। अगर आपको ओनली इंग्लिश टॉट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लगता है जो बहुत कम कॉलेजेस के पास है रशिया में, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉशियस होना है
कि कौन से कॉलेजेस में इंग्लिश है, कौन से में बाइलिंगुअल है। एशियन एजेंट बोलेंगे चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रियलिटी में जब वहां जाओगे तो बाइलिंगुअल कोर्स होगा। यही चीज चाइना में भी हो रही है, यही चीज रशिया में भी हो रही है। चाइनीज गवर्नमेंट तो 45 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ही रिलीज की है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उसके बाहर तो जाना ही नहीं है। और आज की डेट में ऑफकोर्स चाइना तो ऑलमोस्ट फुल होने आया है, बट ये जरूर चेक करना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू नॉट गेट फूल्ड और चीटेड, बिकॉज ये ड्यूअल मीडियम है तो आपको एजेंट्स बहुत चीपर कॉस्ट में बता देंगे, बट फिर आपको वहां जाकर पता चलेगा कि टीचिंग तो रशियन में हो रही है, एंड दैट विल बी टू लेट। तब तक बाकी सारी यूनिवर्सिटी चालू हो गई रहेगी, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एम्बेसी ने क्लेरिफाई की है, और ये इसीलिए क्यों है क्योंकि स्टूडेंट्स को एजेंट्स फंसाते हैं, पेमेंट्स ऑफ फीस। जब आप भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, मोक्ष वेरी क्लियर, यू नीड टू पे द फीस ऑफ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ओनली। कभी एजेंट को फीस, ट्यूशन फी नहीं देनी। कोई एजेंट कहेगा मेरा पैकेज है $8, $10,000, $12,000 पहले साल का, तो उनको कहना है उसमें से आपकी कंसिडरेशन नहीं है वो आपको दूंगा, मगर जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ही पे करूंगा। क्योंकि द नंबर ऑफ एजेंट जिसने चीटिंग की है, जहां पे वो पैसे कलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट नहीं करते, उस वजह से स्टूडेंट्स पहले साल में जाते हैं, 6 महीने बाद एनरोलमेंट कैंसिल की दी है। तो डू नॉट गेट चीटेड बाय सच एजेंट्स। फिर कुछ कहेंगे आप चले जाओ यूक्रेन रशिया, वहां जब पहुंचोगे एयरपोर्ट पे आपसे पैसे मांग लेंगे। बोलो वो भी मैं नहीं करता हूं, आप मुझे यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट डिटेल्स दो, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर करने वाला हूं। तो प्लीज स्टूडेंट्स डोंट गेट एट ऑल यू नो फूल्ड बाय दिस एजेंट्स, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है ओनली गवर्नमेंट, मिनिमम 100 ईयर एक्सपीरियंस, चूज विच आर इंग्लिश टॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब क्राइटेरिया जानना जरूरी है। फिर ऑफकोर्स जैसे किसी ने पूछा यूक्रेन क्यों यूक्रेन करना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च खुद करो, यही एम्बेसी पे आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको कुछ इयर्स पहले का रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर यूक्रेन चले जाओ, दैट्स इट। यहाँ पे एक एक दो दो है वो तो कंसिडर नहीं कर सकते, बट अदरवाइज टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एमसीआई पास एट अच्छा है, स्टूडेंट्स प्रेफर दिस ऑप्शन इज बुकोवियन, लवीव, विनित्सा, तो यहां तक सोचना है आपको, ठीक है? ये वॉर जोन में आ जाता है, यूक्रेन के वॉर जोन में ये आ जाता है, तो गलती से भी सिलेक्ट मत करना। आपको वेस्ट कोस्ट में रहना है जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एमसीआई पास रेट्स भी बहुत अच्छा है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहां पे आप सेफ हो, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्बेसी इटसेल्फ इज डूइंग दिस। नाउ किसी ने पूछा है कि रशिया में क्या कौन सा सिलेक्ट करे, तो ये भी आपको बता देते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट लिस्ट एज वेल। एम्बेसी के वेबसाइट पे सारा सारा इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया गया है। क्या लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट, ऑल राइट, द वेबसाइट इज ओपनिंग mock16.com, ऑल राइट। ना आपको करियर बनाना कैसे है उसकी कंप्लीट क्लैरिटी ये 6 चीजें से आ गई है। एक तो पीजी करना है, करना
करियर प्लानर के साथ जाना है, एफएमजी यूएसएमएल एफएमजी कोचिंग लेना कंपलसरी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना कंपलसरी है, मिनिमम 100 ईयर एक्सपीरियंस वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना कंपलसरी है, इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी लेना कंपलसरी है। तो ये आपके करियर मेकर्स है जिससे आपका करियर बनेगा। अब करियर ब्रेक कैसे होगा? तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फिलीपींस के बारे में सुना होगा? कोई है जिसको किसी ने फिलीपींस सजेस्ट किया? ऑल राइट, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी। ऑल राइट, तो जिनों को किसी एजेंट ने फिलीपींस रेकमेंड किया है, लेट मी ब्रिंग बैक टू यू द रियलिटी। एक नाम मिल रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी ने फिलीपींस रेकमेंड किया है। फिलीपींस का क्या प्रॉब्लम है? क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ठीक है, कंप्लीट क्लैरिटी रो, क्या हो रहा है? इंडियन एम्बेसी फिलीपींस। अब फिलीपींस में आपको एजेंट ये नहीं बताते कि आपको बीए कोर्स के लिए भेजा जाता है, एमबीए कोर्स के लिए नहीं भेजा जाता। दूसरी बात, अगर बीएस के बाद एमबीबीएस करना है तो नीट से भी डिफिकल्ट एग्जाम है एनमैट, वो क्लियर करना पड़ेगा, मगर ये आपको एजेंट बताएंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए इंडियन एम्बेसी ने क्लियरली एक नोटिफिकेशन इन्फॉर्म किया है कि काइंडली नोट दैट लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर कमिंग कि एजेंट लोग चीटिंग कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं, बट रियलिटी अलग है। ये नहीं समझाते आपको कि क्यों फिलीपींस नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, वो कहते हैं एनमैट एकदम इजी है, बट क्या आपको उन्होंने बताया है कि एवरी ईयर 800 स्टूडेंट्स को वो लोग भेजते हैं जिसमें से सीट सिर्फ 200 की है एमबीबीएस के लिए, तो बाकी 600 लोग सिर्फ 2 साल का बीएस कोर्स करके इंडिया वापस लौटते हैं। एंड एनमैट एग्जामिनेशन इज अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, ओनली 40% ऑफ स्टूडेंट पास। तो ये आपको बताते नहीं है, तो इसीलिए डू नॉट फॉल इनटू फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय एजेंट्स। अनफॉर्चुनेटली देर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग फिलीपींस। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ फोटो वोटो खिंचाते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया में डालते हैं, रियलिटी नहीं बताते फिलीपींस का क्या है। सो डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोज, सी द रियलिटी। और रियलिटी कौन बताता है आपको? इंडियन एम्बेसी। विजिट इंडियन एम्बेसी वेबसाइट, क्योंकि उनके पास हर साल बच्चे आते हैं जो ये फे हुए हैं ये सारे केसेस में। ठीक है, सो प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट फॉल इन टू द ट्रैप। आई होप दिस इज क्लियर। परफेक्ट, सो नाउ अनदर करियर ब्रेकर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्विकली। आपको समझ आ गया है क्यों फिलीपींस शुड नॉट बी कंसिडर्ड? नाउ अनदर करियर ब्रेकर इज योर लो कॉस्ट करीबियन। बहुत लोगों को ये फंसाया जाता है कि 40 लाख में या करीबियन में चले जाओ, आप अमेरिका पहुंच जाओगे। नहीं होता है ये, 40 लाख में वो सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स करीबियन में करवाते हैं, क्लिनिकल रोटेशन करवाते ही नहीं है। और जब तक आपका क्लिनिकल रोटेशन यूएस में नहीं होता है, यू विल नेवर रीच टू अ फॉर पीजी। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से बहुत चीट हो रहा है। सिंपल एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, आज की डेट में आप फेसबुक पे चलो जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एड्स दिखेगी और रेकमेंड किया जाएगा कि आप चले जाओ। कुछ नाम बताऊंगा मैं, पर वो कैसे असेस करना है कि वो अच्छे हैं कि नहीं, ये वेबसाइट चेक करनी है आपको। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप रियलाइज करोगे हाँ इसकी एड मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, मगर ये यूनिवर्सिटी के पास अक्रेडिटेशन नहीं है, तो
जैसे कि एमसीआई है, वैसे ही करीबियन में कैम एचपी होता है, एंड जो यूनिवर्सिटी कैम एचपी अप्रूव्ड नहीं है, यू नॉट, मतलब वही हो गया फिर, आपकी आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो आप अगर जाते हो फेसबुक पे तो बहुत दिखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज की विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय कैम एचपी, ठीक है। सो डोंट सिलेक्ट सच यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी है आपको बताना चाहूंगा, वो तो ये लिस्ट में नाम भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनका तो नाम ही भी ये लिस्ट में नहीं है, बट फेसबुक में बहुत आती है। कैम एचपी अप्रूव भी नहीं है, मगर बच्चों को फोन किया जाता है कि आपको अमेरिका भेजेंगे, और बच्चे पहुंचते हैं शारदा यूनिवर्सिटी इंडिया में, ठीक है। मत फंसे, ये बड़ा स्कैम है। आई टोल्ड यू गवर्नमेंट 100 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, प्राइवेट 2 साल पुराना। हाउ कैन यू इवन कंसिडर दिस ऑप्शन, नॉट अप्रूव्ड बाय कैम एचपी, क्लिनिकल रोटेशन का अता पता नहीं है, कंप्लीट चीटिंग हो रहा है, एक बैच बच्चों को सिखाया नहीं है। तो क्या फैकल्टीज है, बेसिक मेडिकल साइंस की फैकल्टी है क्या, क्लिनिकल फैकल्टी है? 19 सब्जेक्ट है एमबीबीएस की, आज तक उतने फैकल्टीज भी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी है आपको समझना और जानना, अदरवाइज यू विल बी फूल्ड बाय यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक एड्स, सो नॉट रिकमेंडेड, ऑलराइट। अवॉइड ऑल प्राइवेट कॉलेजेस इन जॉर्जिया। अब कुछ एजेंट्स फंसाते हैं, कह के कि आप जॉर्जिया चले जाओ, यूरोप का पार्ट है, गारंटीड आपको यूरोप में एंट्री मिल जाएगी, आगे जाके यूके में आप करियर बना सकते हो। अ वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या क्यों रॉन्ग है वो भी आप समझ लो। बहुत इजी है ये रिसर्च करना, सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी वेबसाइट पे कहां पे रिसर्च करना है, ठीक है। टाइप करना है इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया, एंड सबसे बड़ी शॉक आपको अब लगने वाली है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एम्बेसी कह रही है, लोगों को जॉर्जिया जॉर्जिया करके प्रमोट किया जाता है, बट रियलिटी बता दे, पहली बात जॉर्जिया इतना छोटा कंट्री है कि अपनी इंडियन एम्बेसी भी वहां पर नहीं है, इंडियन एम्बेसी बाहर वाले कंट्री में है, अर्मेनिया में, ठीक है, आपको नहीं बताते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो नहीं बताया जाता, आपको कंपल्सरी है जानना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड नो इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया है क्लियरली सेड This is not a part of Europe. मगर एजेंट कहते हैं कि ये यूरोप का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, सो प्लीज डोंट गेट चीटेड बाय दिस एजेंट्स, ऑलराइट। तो यहां पर आप टाइप करिए इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया एजुकेशन, और आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी, स्टूडेंट एडवाइजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वेस्ट मनी स्टूडेंट्स। देखो एमएससी, ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि अर्मेनिया और जॉर्जिया इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, तो आपको फंसाया जा रहा है। बिफोर लिविंग इंडिया प्लीज ये बात जान लीजिए कि अर्मेनिया और जॉर्जिया आर नॉट यूरोप, तो जो एजेंट्स आपको कह रहे यूरोप, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लिविंग एक्सपेंडिचर का, वहां पर छोटा सा प्लेस है, बहुत कम हॉस्टल फैसिलिटी, सब कुछ प्राइवेट है, तो अकोमोडेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है, मंथली खर्चा 300 से $400, 5 साल का खर्चा
होता है आपका मिनिमम 20 से 25 लाख सिर्फ अकोमोडेशन का, फीस ट्यूशन फीस वगैरह अलग, तो टोटल खर्चा 50 लाख तक का हो जाता है। जो स्टूडेंट्स को 50 लाख का बजट है वो तो मोक्ष के साथ एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई करके अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। जिसका बजट 50 लाख होता है वो स्टूडेंट्स तो यूएसएमएलई का ऑप्शन ऑप्ट करके पीजी के 6 साल में 2.5 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। तो वाई विल यू वेस्ट 50 लाख रुपीज सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए? नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका बजट 50 लाख तक का है तो क्यों जाओगे जॉर्जिया, क्यों जाओगे पोलैंड, उससे अच्छा चले जाओगे इन रशिया चाइना यूक्रेन एंड ऑल्सो सेव मनी। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑल राइट, बहुत जरूरी है, दोज हु आर लिसनिंग टू द वेबिनार, ऑल ऑफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी एमबीबीएस, ठीक है? तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि उसका मेडिकल हेल्थ केयर अच्छा होगा, इंडिया से तो अच्छा होगा, तभी तो आप वहां जा रहे हो, ठीक है? अब आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो एमबीबीएस का, हेल्थ केयर का, और इंडियन एम्बेसी क्या कह रही है? इंडियन एम्बेसी कह रही है कि अर्मेनिया या जॉर्जिया में अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो प्लीज आप इंडिया वापस चले जाओ। अगर आप एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हो और एम्बेसी खुद कह रही है कि भाई ये कंट्री में जो हॉस्पिटल है वो केपेबल नहीं है आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो कैसे आप एमबीबीएस पढ़ने वहां जा रहे हो? दिस इज अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन विच यू शुड आस्क। जो एजेंट्स फोन करके आपको कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया वेस्ट करो जॉर्जिया पढ़ने के लिए, तो उनको ये पूछो कि वाई इज एम्बेसी सेइंग कि अगर कुछ भी होता है बीमार तो आपको इंडिया वापस आके ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्यों मैं वहां पर ट्रीटमेंट मेरी नहीं हो सकती जिस मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि रियलिटी ये है, सब और सब इसी तरह की यूनिवर्सिटीज है। 2017 इस तरह की यूनिवर्सिटीज है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी कर लीजिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो एजेंट्स होते हैं उनको एक ही चीज होता है, वो है स्टूडेंट से कैसे कमीशन बनाए, यूनिवर्सिटी से कैसे कमीशन बनाए। और जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो उतना ज्यादा उनको कमीशन मिलता है। तो आप जॉर्जिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, यही रियलिटी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने न्यू विजन, 2019 है, 2013 एग्रेसिवली प्रमोट किया जाता है, प्राइवेट है, 2013 एक बैच भी खत्म नहीं किया। सब यूनिवर्सिटीज ऐसी है, 50 लाख तक का खर्चा होता है लिविंग प्लस टोटल एमबीबीएस का, बढ़िया आपको बताएंगे नहीं एजेंट। उनको बोलो 50 लाख तो मैं यूएसएमएलई करके यूएस में सेटल हो जाऊंगा, विल आई वेस्ट माय मनी। तो विच मींस एक बात तो क्लियर है कि करियर ब्रेकर्स फिलीपींस जॉर्जिया लो कॉस्ट करीबियन में नहीं जाना है, तो जाना कहाँ पर है? तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा दैट इज चाइना, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। बट चाइनीज यूनिवर्सिटीज आर ऑलमोस्ट फुल नाउ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशंस आर ओवर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर्स भी मिल गए हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट ओवर, वेरी वेरी फ्यू आर लेफ्ट, इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वो भी खत्म हो जाएगी। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज यूक्रेन, द टॉप वंस जो आपको बताया हमने, लवीव है, विनित्सा है, ऑल राइट, जहां पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग है, एफएमजी रेशियो भी अच्छा है, तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सेकेंड ऑप्शन, ऑल राइट। थर्ड ऑप्शन रशिया, बट इंग्लिश स्पीकिंग जो आपको क्राइटेरिया बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग वेरी फ्यू टॉप वंस। एंड फोर्थ अगर सितंबर तक कहीं नहीं होता तो बेलारूस, ऑल राइट। पॉजिटिव लिस्ट ऑफ कंट्रीज यूएस, चाइना, रशिया, यूक्रेन एंड इफ समथिंग डजंट हैपन देन बेलारूस एंड कजाकिस्तान। बट प्लीज अवॉइड दिस नेगेटिव लिस्ट, बहुत जरूरी है। मॉरिशियस एक आइलैंड है, नो एक्सपीरियंस, इट इज लाइक गोइंग फॉर स्टडिंग इन अ रिसोर्ट, नॉट रिकमेंडेड। नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी 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 पुअर देन इंडिया, जॉर्जिया का आपको बताया मैंने, बांग्लादेश अगेन वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, किर्गिस्तान आपको लगेगा कोई इंडिया के गांव में आ गए हो।
एंड जनरली इंडिया के विलेजेस से लोग यहाँ पर जाते हैं, अच्छे शहर से सिटी से जो नॉलेज लेकर जाते हैं वो कभी ये गलत यूनिवर्सिटीज गलत कंट्री में नहीं जाते, उनको रियलिटी पता है, दे आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द चीटिंग विच इज डन बाय द एमबीबीएस एजेंट्स। इसीलिए द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर चाइना, यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस। ऑल राइट, सो कंसिडर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, ऑल राइट, फॉर स्टडिंग अब्रॉड। नाउ आपका बजट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस सोच रहे हो तो अनलेस योर बजट इज क्लियर, थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या बजट लेकर चल रहे हो, बिकॉज जो बजटिंग करना है वो पीजी तक करना है। यहाँ पे कोई भी एजेंट रहेगा वो आपको बोलेगा एमबीबीएस तक सोचो, मगर आपको ये नहीं बताएगा कि फिर अगर इंडिया में आके पीजी करना है तो 1 करोड़ रुपया लगेगा आपको, नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपका बजटिंग क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स से पूछ लो कितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, डोंट गो ओवरबोर्ड, डू नॉट सिलेक्ट चीप यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको टीचिंग रहेगा रशियन या चाइनीज लैंग्वेज में, डू नॉट सिलेक्ट कंट्रीज जहां पर देयर इज नो वैल्यू ऑफ द डिग्री। तो अगर एक बार आपका बजट क्लियर है तो आपको ये रोड मैप फॉलो करना है। ऑलराइट, सो आई कैन सी सबका बजट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। तो नाउ अगर आपका बजट 20-25 लाख का है तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि एमबीबीएस इन रशिया, यूक्रेन, चाइना, ऑलराइट, एंड फॉलोड बाय MCI कोचिंग विथ मोक्ष एंड यू गेट अ लाइसेंस टू वर्क इन इंडिया। अगर आपका बजट 40-45 एंड अबाव है तो USMLE कोचिंग एंड क्लर्कशिप्स इन अमेरिका एंड गेट अ लाइसेंस टू वर्क इन US। एंड अगर आपका 75-80 लाख के ऊपर का बजट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया का बजट है, तो डायरेक्ट करीबियन से आप पीजी इन अमेरिका के लिए जा सकते हैं। बट ये प्लान आपका क्लियर होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द मोक स्टूडेंट्स दे थिंक राइट अप टू पीजी, जितने भी स्टूडेंट्स मोक्ष के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर 40-50 लाख का बजट है तो मोक्ष का मॉड्यूल 1 USMLE का सिर्फ 5 लाख का है, प्लस स्टडी अब्रॉड के 25 लाख पकड़ के चलते हैं, इतने बजट में उनको आइडिया आ जाएगा कि USMLE लेवल के लिए हो या नहीं हो। अगर पास हो गए नो प्रॉब्लम, अमेरिका में आपकी पीजी स्टार्ट हो जाएगी, और जब अमेरिका में पीजी करते हो, पीजी करते करते 3 साल का 1 करोड़ रुपया और सुपर पीजी का 3 साल का 1.5 करोड़, इतनी आपकी सैलरी होती है। अमेरिका में पीजी का ट्यूशन फी नहीं रहता है तो टोटल 2.5 करोड़ रुपए 6 साल में आप कमा लोगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे 40-50 लाख, ठीक है। बट अगर मॉड्यूल 1 पास नहीं होते, USMLE लेवल की पढ़ाई नहीं जमती, वी विल गिव यू विदाउट एनी चार्जेस नेक्स्ट कोचिंग और आप पीजी इंडिया के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर अब्रॉड सेटल होना है तो जर्मन लैंग्वेज कोचिंग करके जर्मनी में सेटल करा देंगे। तो हर स्टूडेंट का प्लान ए रहता है USMLE जो भी अब्रॉड जाते हैं, प्लान बी रहता है FMG नेक्स्ट इंडिया की लाइसेंस, एंड प्लान सी रहता है जर्मनी, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि बिना लाइसेंस एग्जाम आप अब्रॉड नहीं जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू वर्क और प्रैक्टिस, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है कि MBBS अब्रॉड इज लाइक योर करियर, इज लाइक अ कार, एंड इंश्योरेंस इज योर FMG नेक्स्ट कोचिंग। क्योंकि मोक्ष के पास हम वेरी क्लियर है कि हम स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो पहले साल से FMG कोचिंग करनी है, वरना आप अपने पेरेंट्स के 25 लाख भी वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर आप 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए स्पेंड नहीं कर सकते हो तो 25 लाख पेरेंट्स के वेस्ट मत करो। यहाँ पर आओगे एंड देन यू विल नॉट हैव अ लाइसेंस, यू विल बी पार्ट ऑफ द 85% ऑफ स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ डिग्री होगी। तो इट्स ओके, अगर 1.5 लाख रुपए आप खर्चा नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, डू नॉट गो अब्रॉड, वी डोंट वांट यू टू वेस्ट 25 लाख रुपीस, ठीक है।
तो ये एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है एंड रियलिटी है। और जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था, तो हम डेटा पे बात करते हैं कि ये रियलिटी हो रही है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो, ये एजुकेशन पॉलिसी आपको समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है सेंट्रलाइज्ड एग्जाम फॉर एमबीबीएस अंडर द एजुकेशन पॉलिसी रिलीज बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, अब ये एमबीबीएस अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए फायदा हो गया है, और बाकी जो इंडिया सोच रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले कैसा था, जो लोग अब्रॉड जाते थे उनको दो एग्जाम देनी पड़ती थी, एक एफएमजी जो होती है स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, और दूसरी पीजी एंट्रेंस के लिए नीट पीजी। और जो स्टूडेंट इंडिया में रहता था उसको सिर्फ नीट पीजी देनी पड़ती थी, वो भी ऑप्शनल था। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मुझे सिर्फ नाम के लिए एमबीबीएस करना है, तो कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैं पैसे दे दूं, मैं गारंटीड डॉक्टर बन जाऊंगा। मगर अब गवर्नमेंट ने कहा है, चाहे इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो, आपको एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम देनी है जिसका नाम है नेक्स्ट। एंड दिस एग्जाम विल प्ले टू रोल्स, इट विल बी एन एग्जिट एग्जाम। अगर ये एग्जाम में क्वालिफाई करोगे, जैसे नीट अंडरग्रेड में क्वालिफाई करना है, तो ही डिग्री मिलेगी और इसके रैंकिंग के हिसाब से पीजी का एडमिशन मिलेगा। बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम है, तो पेशेंट केसेस इसी पे सारा फोकस है। तो आपको पेशेंट केसेस सॉल्व करने हैं डे वन से। एमबीबीएस में आपको पढ़ाई करनी है थिंकिंग की, अगर पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में होंगे मैं उनको कैसे ट्रीट करूंगा, ना कि एग्जाम परस्पेक्टिव से। पहले नीट में क्या होता था, वो पूछते थे हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी। एफएमजी में क्वेश्चन आता था ये इंस्ट्रूमेंट किसी ने, किस रेडियोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया था। अब आपको ये सारे नाम नहीं पता हो, मगर आपको पता है आपके क्लिनिक में अगर पेशेंट आता है उसको कैसे ट्रीट करना है, तो आपकी वैल्यू रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक लाइसेंस एग्जाम है, बिना क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन आपको लाइसेंस नहीं मिलना वाला। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो नाउ वेदर यू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, यू हैव टू गिव दिस लाइसेंस एग्जामिनेशन। ऑल राइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, अदरवाइज दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से प्रिपेयर नहीं करोगे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ 85 स्टूडेंट्स जिसके पास सिर्फ डिग्री होगी, एंड नॉट 15% जो आज की डेट में इंडिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस क्लैरिटी ऑफ प्लानिंग अप टू पीजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एफएमजी एग्जामिनेशन, लेट्स टेक ऑल द क्वेश्चंस। ऑल राइट, व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर द डे? नाउ वन बाय वन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट एनी इश्यूज आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। ऑल राइट, कैन वी गो टू यूएसए फॉर एमबीबीएस आफ्टर 12th? ऑल राइट, गुड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू कंबाइन दिस विद वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, यही रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है यश शेरावत ने, अलॉन्ग विद दिस वन ऑफ द रेलेवेंट क्वेश्चन विच आई हैव, आई एम गोइंग टू टेक दैट एज वेल। ठीक है, लेट मी रीड द सिमिलर क्वेश्चन। कृपा चूरी इज आस्किंग विच यूनिवर्सिटी शुड आई चूज फॉर एमबीबीएस इन कैनेडा। ठीक है, नाउ चाहे वो एमबीबीएस यूएस में हो कैनेडा में हो, उसकी रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट इज द रियलिटी, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेट मी क्विकली टेल यू कैसे होता है। ठीक है, यूएस और कनाडा ये दो जो कंट्री है, यहाँ पर एमबीबीएस डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों कंट्री में आपको पहले 4 साल का बैचलर्स करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज बीएस। ठीक है, उसके बाद एमकैट करके एग्जाम देनी पड़ती है, विच इज टफर देन नीट, बहुत ज्यादा टफ होती है। ओनली टॉप
20% ऑफ स्टूडेंट्स विच इंक्लूड्स ऑल द अमेरिकन स्टूडेंट्स. फॉरेन के स्टूडेंट्स तो लेस देन 2% होते हैं, बट ओवरऑल जो 100% स्टूडेंट्स जो बैचलर्स करते हैं उसमें से टॉप 20% निकलते हैं और उनको एडमिशन मिलता है फॉर एमडी. नाउ दिस एमडी इज इक्वल टू एमबीबीएस इन इंडिया. तो ये होता है 4 साल का. तो टोटल अगर करना जाए 4 + 4 8 साल का आपका कोर्स होता है सिर्फ एमबीबीएस खत्म करने के लिए. ठीक है, चलो नंबर ऑफ इयर्स ये सब कंट्री से ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये जो 8 साल का कोर्स है चाहे यूएस हो या कनाडा हो, मिनिमम खर्चा 3 से 4 करोड़ रुपया है. इसीलिए हमारे जितने भी इंडियंस होते हैं जो एनआरआई होते हैं वो भी अपने बच्चों को यूएस और कनाडा में नहीं पढ़ाते, वो भी अपने बच्चों को आइदर इंडिया भेजते हैं या रशिया भेजते हैं, चाइना भेजते हैं, यूक्रेन भेजते हैं, क्योंकि इतना पैसा वेस्ट करके कोई मीनिंग नहीं है अंडर ग्रेड लेवल पे. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव टू दिस? ऑल्टरनेटिव टू दिस इज अ करीबियन पाथवे. कि जिनको स्टिल और जिनका बजट है 80-90 लाख का, स्टिल कंसीडर करना है यूएस एज अ ऑप्शन, दे कैन कंसीडर द करीबियन पाथवे. आई विल जस्ट क्विकली लेट यू नो हाउ डज द करीबियन पाथवे ऑल्सो वर्क. राइट, सो करीबियन पाथवे इज एब्सोल्यूटली सिमिलर टू यूएस पाथवे. ठीक है, आपको डिजाइन करके मैं बता देता हूं किस तरह से रहेगा और क्या डिफरेंस है. तो जैसे आपको मैंने बताया, यूएस का आपका होता है 4 साल का बीएस और 4 साल का एमडी, 8 साल का प्रोग्राम. उसी जगह पे अगर आप करीबियन सिलेक्ट करते हो तो आपका होता है 2 साल का प्री मेड, 2 साल का बेसिक मेडिकल साइंस. ठीक है, ये 4 साल आपके जो होते हैं करीबियन में होते हैं, उसके बाद 2 साल का क्लिनिकल रोटेशन जो यूएस में होता है फ्रॉम जेन्यून करीबियन मेडिकल स्कूल से अगर करोगे तो, जो कैम एचपी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है करीबियन में. तो जो लोग यूएस से जब कुछ करना है वो यूजुअली कैम एचपी अप्रूव्ड करेबियन मेडिकल स्कूल यूज करते हैं, जहां पर पहली बात नंबर ऑफ इयर्स आर 6 इयर्स, जो यूएस से 2 साल कम है. दूसरा खर्चा, खर्चा यहां पर आपका होगा 75-80 लाख रुपीस. ठीक है, ये आपका खर्चा होएगा, प्लस आई मीन इट कैन इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. देर आर मणिपाल ऑफ द वर्ल्ड, यू नो रॉस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तो 1.25 करोड़ तक भी जाता है. ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग, बट दिस इज द रीजन वाई अगर कोई किसी को एमबीबीएस यूएस से करना है वो करीबियन रूट यूज करते हैं एंड वो रूट से जाते हैं, ना ही कि स्टैंडर्ड अमेरिका से पढ़ते 8 साल और 4 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं. I hope this is clear for all of you students. All right. Now, of course, I am going to take all the questions. But before the questions, again, I need to understand whether you are thinking for PG or not. Because अगर PG तक की planning नहीं की और first year से FMG नहीं prepare किया तो बहुत difficult होने वाला है. And that's why I want to make it very clear. कि प्रिपेरेशन फर्स्ट ईयर से करना है आपको. ऑल राइट, मोहम्मद असलम, एब्सोल्युटली. जो अगर आप एमबीबीएस इन यूक्रेन सोच रहे हो, पीजी यूएसए में ही सोच रहे हो, तो अराउंड 40 लाख में हो सकता है, 40-45 लाख में आपका हो जाएगा. ठीक है, देन तोरणलाल देवनगन, विल वी हैव टू डू इंटर्नशिप आफ्टर कमिंग टू इंडिया? तोरणलाल, अगर आप यूक्रेन या रशिया से करते हो तो करना पड़ेगा, अगर आपको इंडिया में सेटल होना है तो.
यूएस में सेटल होना है तो नहीं रखता है रिक्वायरमेंट। बट चाइना में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो चाइना एक ऐसी कंट्री है कि वहां का इंटर्नशिप इंडिया में रिकग्नाइज्ड है, तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऑल राइट श्रेया गुप्ता, द यूनिवर्सिटी इज लेफ्ट अ वेरी लेस। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारे देख रहा हूँ अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन अबाउट नीट स्कोर पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो एकदम सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ पर चले जाइए मॉक 16 की वेबसाइट चले जाइए, तो आपके बजट के हिसाब से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। क्लिक चूज यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप हर कंट्री का प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो चूज योर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेया, योर क्वेश्चन अबाउट चाइनीज यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट ऑल आर गेटिंग फुल, यू सी दिस, सो यू हैव टू जस्ट चेक क्विकली। Here is the list of all universities that you see close. In fact, we have updated 5 more universities are going to close almost. So quickly apply karo. NEET score bhi depend karta hai kyunki NEET lagta hai unko. 450 qualified 190 180 kingdom board scores. All right. Then kis Ukraine ke baare mein pooch, simple. Wapas Ukraine select kar lo. Lviv, NEET qualified. Somebody was asking about NEET unqualified कहाँ जा सकते हैं, तो एक ऑप्शन है ओडेसा जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस बेस्ड ऑन 12th मार्क्स, लैंग्वेज ऑफ स्टडीज, फर्स्ट ईयर कॉस्ट, यहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड कर लो और इमीडिएटली अप्लाई कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल वे में आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट किया गया है। जब आप ब्रोशर ओपन करोगे आपको सारा इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में दिया जाएगा। तो ये जो कॉस्टिंग है ये चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वैसे बहुत एजेंट्स वो कहेंगे फर्स्ट ईयर का 7200 है, तो वो कहेंगे 8000 है, 9000 है। उनको कहो कि ये जो ट्यूशन फी है वो मैं यूनिवर्सिटी को पे करने वाला हूँ, आपको नहीं पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब आप ये ब्रेकअप मांगोगे वो ब्रेकअप नहीं देंगे, बिकॉज दे वॉन्ट मोर मनी फ्रॉम यू, दैट्स वाई वो पैकेज आपको गलत बताएंगे। उनको बोलो आपकी कंसल्टेंसी फी आपको दूंगा, यूनिवर्सिटी फीस मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को पे करने वाला हूँ। So why don't you share the bank details of the university? Because if you are not going to share, I am not going to go. Because payment करना है तो सिर्फ और सिर्फ directly university को करना है. We are very clear at Moksh. ठीक है, so don't get cheated students. Unfortunately, there are a lot of people who are giving a lot of misinformation. So please stay away from those. श्रेया गुप्ता, गुड यूनिवर्सिटीज, दीज आर ऑल गुड यूनिवर्सिटीज इन चाइना, ओनली थिंग इज नीड टू नो योर नीट स्कोर, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू क्लोज। शशि जयंत, अगर आप नीट अनक्वालिफाइड हो तो आप वन वे रूट है, आप अब्रॉड जा सकते हो बट फिर वापस इंडिया में नहीं आ सकते, ठीक है। सो देर आर यस यूनिवर्सिटीज विच यू कैन कंसिडर, आप मोक्ष से काउंसलर्स को कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। बट बिकॉज आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो, आप एमसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप इंडिया में वापस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डेफिनेटली अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं, ठीक है। यश शरावत, वुड यू वॉन्ट टू वेस्ट मनी एमबीबीएस इन यूनाइटेड किंगडम, यू नो टॉप की जो कॉलेज है इंपीरियल कॉलेज, उसका 5 साल एमबीबीएस का फीस है 1.5 करोड़ रुपए,
क्यों वेस्ट करने हैं आपको इतने पैसे, वापस पीजी के लिए और दे 3-4 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे। अगर इतना ज्यादा बजट है तो डैड को बोलो एफडी में डाल दे वो पैसे, ठीक है, और 10% खर्चे में आप एमबीबीएस इन यूक्रेन, रशिया या चाइना से यूएस अमली करके यूएस में सेटल हो सकते हो। ऑलराइट मुस्कान मिर्जा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट यूएस एमएलई। यू वॉन्ट टू गो यूएस डायरेक्टली, व्हाट्स द बजट? 4 करोड़ रुपीज। 4 करोड़ है तो यूएस डायरेक्टली जा सकते हो, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएस एमएलई, दिस पाथवे से गारंटीड आप यूएस सेटल हो सकते हो इफ यू आर सिलेक्टिंग एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएस एमएलई एज एन ऑप्शन। एमबीबीएस चाहे आप इंडिया से करो, रशिया से करो, चाइना से करो, यूक्रेन से करो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से करो, तो आपका बजट इतना होगा तो आप पहुंच सकते हो वाया यूएसएमएलई पाथवे। अब ये यूएसएमएलई पाथवे होता क्यों है एंड व्हाई टू सिलेक्ट यूएसएमएलई, ठीक है, लेट मी डिस्कस दिस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अबाउट यूएसएमएलई, ठीक है, तो मैं क्विकली आपको सारे आंसर्स वन बाय वन दे देता हूं। व्हाई चूज यूएसएमएलई पाथवे फॉर पीजी, ठीक है, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपको यूनिवर्स यूएस यूएसएमएलई? इंपॉर्टेंट बात, यूएस की जो पीजी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल कॉमनवेल्थ नेशंस एंड मिडल ईस्ट नेशंस। तो ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रिकॉग्नाइज्ड है, मिडल ईस्ट कंट्रीज में है, कैनेडा में रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम इंडिया में वापस आके देनी नहीं है। इंडिया में 10 एमबीबीएस बच्चों में 2 को एडमिशन मिलता है पीजी के लिए, तो वाई स्टूडेंट्स एमबीबीएस यूक्रेन, रशिया, चाइना प्लस पीजी अमेरिका से करते हैं? क्योंकि पीजी मिलना आसान है इन अमेरिका, ठीक है। यश, आई एम जस्ट शोइंग यू द पाथवे, यू विल अंडरस्टैंड यूएसएमएलई, आई एम श्योर आप यूएसएमएलई प्रेफर करोगे, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो इज हायर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री ग्लोबली फॉर आईएमजीज। स्टार्ट सैलरी वाइल डूइंग पीजी 35 लाख रुपीज, ट्यूशन फी नहीं रहता है। आप में से कितनों को पता था कि यूएसएमएलई करते हो तभी कोई ट्यूशन फी नहीं रहता है? इनफैक्ट आपको इतनी सैलरी मिलती है और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो 1.25 करोड़ की सैलरी वंस यू आर बोर्ड सर्टिफाइड। ऑलराइट, देन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, चाहे वो मॉड्यूल वन भी क्यों नहीं कर रहे, अगर उन्होंने प्लान चेंज किया, इंडिया में वापस आने का सोचा, अगर पीजी नहीं किया तो भी एफएमजी नेक्स्ट कोई भी एग्जाम वो इजीली कर सकते हैं, बिकॉज यूएसएमएलई वे में जो पढ़ाई करता है उसके फंडामेंटल कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। ऑलराइट, देन अपॉर्चुनिटीज फॉर इजी माइग्रेशन। दूसरा, एजेंट्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप पीजी भी रशिया चाइना से कर लो। पहली बात, जो रशियन और चाइनीज पीजी डिग्री है वो रशियन चाइनीज लैंग्वेज में होती है, तो आज की डेट में एमसीआई ने अप्रूव नहीं किया। एमसीआई ने कहा है अगर हमने अप्रूव किया भी फ्यूचर में तो 2 कंडीशन रहेगी, एक एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम आपको देना पड़ेगा और दूसरा है डीएनबी एग्जामिनेशन जो बहुत डिफिकल्ट है पीजी लेवल का, तो 2 एग्जाम के बाद आपकी पीजी रशिया या चाइना की डिग्री रिकॉग्नाइज होगी। मगर आपने अंडरग्रेड रशिया, चाइना, यूक्रेन से किया, यूएस से पीजी किया, तो नो एग्जाम्स, इजी एडमिशन, नो ट्यूशन फी एट द पीजी लेवल, ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ इनिशियल 40-50 लाख, स्टार्ट सैलरी 35 लाख, तो टोटल 6 साल में 2.5 करोड़ रुपए की आपकी इनकम हो जाती है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स चूज यूएसएमएलई। हरप्रीत कौर, देर आर नॉट सीट्स अवेलेबल इन कैनेडा फॉर पीजी। हरप्रीत कौर जी, 4 करोड़ रुपए यूएस में डालोगे फिर कैनेडा कैसे जाओगे और जाओगे अगर एमबीबीएस यूएस में करोगे तो? देखो, जो ये पूरा प्रोसेस है वो हम पीजी तक की बात करते हैं ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो, ठीक है, क्योंकि पीजी तक की क्लैरिटी नहीं रहेगी तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज इन इंडिया जहां पे जिसकी डिग्री इज रिकग्नाइज प्लस जिसके सीट्स अवेलेबल है ऑल राइट ग्लोबली। तो आपको मैं क्विकली ये बता देता हूँ ये डेटा, बिकॉज ये काफी जरूरी है, अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली प्रॉपर बिकॉज सर्टन कंट्रीज जहां पर पीजी सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में बीमारी है कोटा की, वही बीमारी ब्रिटिशरों ने कनाडा में भी डाली है, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रही है। तो जहां जहां पे रूल था वहां पे कोटा सिस्टम था। के लिए डेटा है, अगर आपको मेडिसिन पीजी करनी है वही कनाडा का देखो कोटा सिर्फ और 15 सीट का होता है। तो जो कैनेडियन होते हैं या कनाडा पीआर कार्ड दिया है उनको पीजी, ठीक है। सर्जरी की यूएस में 2500 सीट है, कनाडा में 5 सीट का कोटा है। तो आपको समझना है आपकी प्लानिंग क्या है पीजी तक की। तो पीजी तक की प्लानिंग नहीं करोगे इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ करियर आपका यू नो अंडर ग्रेड एमबीबीएस से नहीं बनने वाला। तो प्लानिंग किस तरह से होती है, मुझे बहुत सारे कंट्री के नाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलिटी क्या है एक इंडियन स्टूडेंट की पीजी तक की प्लानिंग की, ठीक है। और दूसरा होता है कि लाइफ में सेटल कहां पर होना है। ऑफ कोर्स पीजी एक अलग बात है, सेटल अलग बात है, यह आपको समझना है। ऐसा नहीं होता हर कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पीजी के लिए 3 कंट्री है जहां पर वो डेफिनेटली सेटल हो सकते हैं। इंडिया है आफ्टर एमबीबीएस इन एनी कंट्री, एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो तो। दूसरा कंट्री है यूएसए, ऑलराइट। सो द सेकेंड कंट्री इज यूएसए, सो दैट्स द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन इज जर्मनी। तो पीजी की सीट सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंट्री में अवेलेबल है, इंडिया यूएस और जर्मनी। मगर अगर सेटल होना है तो बोथ इंडियन एंड यूएस डिग्री आर ग्लोबली रिकग्नाइज। इंडिया की भी पीजी डिग्री इतनी वैल्यूएबल है जहां से आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो हरप्रीत कौर का फेवरेट है कनाडा आप सेटल हो सकते हो कनाडा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पीजी करना है तो कनाडा इंडिया से करना है यूएस से, कनाडा में पीजी आपका नहीं हो सकता। आप यूएस में सेटल हो सकते हो विद अ यूएस पीजी, प्लस ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज दुबई कतार सऊदी सब जगह पे वॉक इन एडमिट यू नो आपको जॉब्स मिल जाएंगे, बेस्ट सैलरी के जॉब मिलेंगे अगर आपकी पीजी इंडिया से है या अमेरिका से है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग देखोगे कि ये लिस्ट हो या ये लिस्ट हो, मैंने यूके का तो नाम भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इस कंट्री में ना ही आपको पीजी की सीट मिलती है ना ही आप सेटल हो सकते हो, ठीक है। अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इंडियन डॉक्टर्स ने कहा है, आप गूगल करिए हाउ बैड द कंट्री इज, ठीक है। क्विकली आपको बता देता हूं, यहां पे टाइप कीजिए यूके रेसिज्म एनएचएस एपोलॉजी। इंडियन डॉक्टर है, उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है कितना प्रॉब्लम है। इंडियन डॉक्टर खुद कह रहे हैं डॉक्टर मेनन कि जो यूके की बॉर्ड है उनको इंडियन डॉक्टर्स को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो खुद अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, पेशेंट्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपको ऐसी कंट्री में क्यों जाना है जहां पे आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन कहलाते हो, ठीक है। तो पहली बात तो मिलता नहीं है, जिनको मिलता है उनको इस तरह की बात बोली जाती है। सो प्लीज डू नॉट कंसिडर आई कांट इवन से व्हाट इज हैपनिंग इन यूके, वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है। सो डू नॉट इवन थिंक यूके एज एन ऑप्शन। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीजी मेरा कहां से हो सकता है और मेरा यूजी कहां से हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ क्वेश्चन बाय तोरण लाल देवनगन, सर चाइना में टोटल विद इंटर्नशिप कितने साल लगेंगे?
चाइना एंड इंडिया इज एब्सोल्युटली सेम, 5.5 साल, और राइट 5.5 ईयर्स में आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माय नीट इज नॉट क्वालिफाइड, इज देयर एनी ऑप्शन? देयर आर मेनी ऑप्शन हरप्रीत, वी विल गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शन. यूएसएमएलई ऑल्सो, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, यूएस में आप सेटल हो सकते हो, नो प्रॉब्लम. इट इज जस्ट दैट यू विल हैव टू वेट फॉर अ वाइल एंड कॉन्टैक्ट अवर हॉटलाइन. एंड मुस्कान मिर्जा, देर इज नो एफएमजी एंड नीट एग्जाम सेपरेटली नाउ. आपको मैंने बताया, गवर्नमेंट हैज मेड अ रूल, एक कॉमन एग्जाम देनी है. नो एफएमजी, नो नीट सेपरेटली, ओनली वन एग्जाम, नेक्स्ट एग्जामिनेशन. एंड दैट इज ऑल द स्टूडेंट्स यू नो मोक्स आर गोइंग टू लर्न. मोक्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस अब्रॉड के साथ मोक्स साथ प्रिपेयर करते हैं ऑनलाइन कोचिंग फॉर 5 ईयर्स. ऑलराइट, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एफएमजी का कोचिंग प्रेफर करते हैं एंड ऑप्ट करते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा कि आप अब्रॉड चले जाओ, वहां ही आपको प्रोफेसर सिखा देंगे, या फिर कहेगा इजी एग्जाम है, आप इंडिया में जब वापस आओगे 6 महीने में पास कर लोगे. यही गलत इंफॉर्मेशन, यही जुमलों की वजह से आज की डेट में 85% ऑफ लोग फेल हो चुके हैं. ठीक है, 85% ऑफ स्टूडेंट जो अब्रॉड जाते हैं वो सिर्फ कागज की डिग्री लेकर आते, एफएमजी पास नहीं कर सकते. एंड दैट इज व्हाई मोक्ष हैज ऑफर्ड दिस 5 ईयर ऑनलाइन कोचिंग, जहां पे पैरेलल टू योर एमबीबीएस हम आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स करवाने वाले हैं, जो आपको मेडिकल कॉलेज में भी बेनिफिट करेगा. आपके डाउट सॉल्विंग के लिए 5 साल तक फैकल्टी अवेलेबल रहेगी, केस बेस्ड स्टडीज आपको कराया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल के लर्निंग टूल्स रहेंगे, इंटरनेशनल लेवल की फैकल्टीज टीच करेगी. और जैसे ये 1.5-2 लाख के कोर्सेज है सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, जहां पे 2 हफ्ते में 19 सब्जेक्ट सिखाते हैं, ये 6 महीने में 19 सब्जेक्ट सिखाते हैं, हम आपको पूरे 5 साल में सिस्टमेटिक वे में. एंड द फीस इज ईयरली 30,000 ओनली, तो टोटल ओनली 1.7, बट फॉर 5 ईयर्स विद अ कंप्लीट टेस्टिंग सोल्यूशन. एंड दैट इज वाई हमारे स्टूडेंट्स ये 15% में रहते हैं, और 85% ऑफ स्टूडेंट्स जो ये टेक्निक करते हैं वो फेल हो जाते हैं एंड कैन नॉट एवर गेट अ लाइसेंस टू वर्क. तो इट इज वेरी सिंपल, जो स्टूडेंट्स मोक्स के साथ एमबीबीएस के लिए रजिस्टर्ड है, कुछ ही दिनों में वो खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किस तरह से ये होता है. ठीक है, सो एवरी मोक्स स्टूडेंट यू नो जो स्टडी करता है, वी ऑफर देम लॉगिन आईडी पासवर्ड. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अपना खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, एंड दे एक्चुअली स्टडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो उनका करिकुलम रहता है, उनका स्टडी शेड्यूल है, उनकी पूरी प्लान की जाती है. जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ता है उसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे यूएफएमएलई या एफएम की पढ़ाई करता है. ठीक है, तो एवरी टॉपिक एवरी सब्जेक्ट पे डिटेल में वीडियो दिया जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, अंडरस्टैंड करने होंगे. ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टॉपिक का आप वीडियो लिए, उसी टॉपिक की नोट्स भी मिल जाती है आपको. कोई डाउट्स होगा तो यहां पर टाइप करके फैकल्टी से क्लियर भी कर सकते हैं. तो इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है सब स्टूडेंट्स को. ऑलराइट, फिर क्वेश्चन बैंक होता है जहां पर उनकी टेस्ट ली जाती है वेरी रेगुलरली. सो एवरी स्टूडेंट हैज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफर्ड टू एवरी स्टूडेंट. कंटिन्यूस असाइनमेंट दी जाती है, दे अटेंड लाइव लेक्चर्स, मेमोरी टूल्स, आर्टिकल्स ऑन ऑल द टॉपिक. सो दिस इज एन एक्सपीरियंस व्हिच एवरी मोक स्टूडेंट गेट्स बिफोर दे फ्लाई अब्रॉड. एंड पैरेलली दिस लॉगिन आईडी पासवर्ड इज देयर विद देम फॉर द 5 ईयर ऑफ एफएमजी कोचिंग और द यूएसएमएलई कोचिंग. ठीक है, नाउ
इम्पॉर्टेंट थिंग, यूएसएमएल की अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। अगर यूएसएमएल करना है तो यूनिवर्सिटी से चूज करनी है जो डब्ल्यू वर्ल्ड डायरेक्टरी में लिस्टेड है और ईसीएफएमजी अप्रूव्ड है। श्रेया गुप्ता, वेरी सिंपल, अगर आपको एफएमजी कोचिंग करना है, मोक्ष का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप अपने काउंसलर से कलेक्ट कर लीजिए एंड 5 इयर्स के लिए आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, ईयरली ओनली 30,000 एंड यू विल बी इंश्योरिंग योर एमबीबीएस करियर। आपका जो 20-25 लाख एमबीबीएस के लिए इन्वेस्ट करोगे उसका आपका रिटर्न्स हो जाएगा, बिकॉज बिना वो एग्जाम पास करके आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऑल राइट मुस्कान मिर्जा, हाउ टू रजिस्टर फॉर यूएसएमएलई विथ मोक्ष, लेट मी एक्सप्लेन यू। बिफोर डूइंग दैट चूज द राइट कॉलेज। अगर यूएसएमएलई करना है तो मेरी कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी के लिस्ट में होनी चाहिए। जो लोग का बजट 40-50 लाख का है वो इनिशियल 25 लाख एमबीबीएस अब्रॉड के लिए स्पेंड करते हैं, एक्स्ट्रा 25 फॉर यूएसएमएलई प्रेपरेशन। ऑल राइट, वो मॉड्यूल वाइज खर्च है, वो आपको मैं बता दूंगा। बट बिफोर चूजिंग यूएसएमएलई, यूएसएमएलई अपॉर्चुनिटी सब स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपकी मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टरी लिस्ट में होनी चाहिए। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अप्रूव्ड बाय ईसीएफएमजी होनी चाहिए। अगर आपकी कॉलेज ईसीएफएमजी अप्रूव नहीं है, वर्ल्ड डायरेक्टरी में नहीं है, तो यू कैन नॉट एवर एवर यू नो गिव द यूएसएमएलई एग्जामिनेशन। एब्सोल्युटली, अगर आपने यूएसएमएलई करके पीजी डिग्री मिला तो आप कर सकते हो। यस, यूक्रेनियन मेडिकल कॉलेज की देखो, वो तो बता रहा हूँ, चाहे रशिया हो चाइना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्री कोई भी हो, आपको यूनिवर्सिटी चेक करना। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है कि यूक्रेन का यूएसएमएलई है कि एब्सोल्युटली, नानजिंग चाइना का एग्जाम्पल लिया, यूक्रेन का एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया था, लवीव, लवीव है, बुकोविन है, पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड स्पॉन्सर्ड बाय सीएफएमडी, तो यूक्रेन से भी आप पढ़ सकते हो। और इंडिया की ऐसी भी कॉलेजेस है, अबाउट 100+ कॉलेजेस इंडिया में है मेडिकल कॉलेज, जहाँ के यूएसएमएलई नहीं कर सकते। तो अगर आपने गलत कॉलेज चूज कर ली, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे ही लेते, बॉम्बे में ये कॉलेज है नॉट अप्रूव्ड बाय यूएसएमएलई, तो ये बच्चे यूएसएमएलई नहीं कर सकते। तो आपको चेक करना है कि यूएसएमएलई अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए, जहाँ पे सैलरी होती है 2.5 करोड़, तो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज एज आई सेड, मोक्ष में वी आर एक्सपेक्टिंग। मुस्कान, विनीत साइज अप्रूव्ड, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर यूएसएमएलई और अ करियर इन यूएस, वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको बनना क्या है, स्पेशलिस्ट किस किस फील्ड में आपको पीजी करना है, वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम अल्टीमेटली। ऑल राइट, यश इज सेइंग ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, वेरी गुड यश। तो यश, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। ठीक है, तो एक चार स्टेज का प्रोसेस है अमेरिका में जिससे आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। ठीक है, जो खर्चा है, पैसे स्पेंड करने हैं, वो सिर्फ पहले स्टेज में करना है, सेकेंड स्टेज से आपकी इनकम चालू हो जाएगी। तो स्टेज वन है ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन। ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि पहले आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है फ्रॉम अ बोर्ड सर्टिफाइड कॉलेज इन रशिया, चाइना, यूक्रेन एंड और इवन इंडिया, इंडिया से भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दिस, आपको यूएसएमएलई के कुछ एग्जाम्स क्लियर करने हैं। यूएसएमएलई स्टेप वन जो ऑनलाइन है, स्टेप टू सी के जो ऑनलाइन है, और सीएस जो प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, स्टेप वन जनरली स्टूडेंट्स एमबीबीएस के थर्ड फोर्थ ईयर में देते हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। सी के और सी एस इंटर्नशिप के बाद या ग्रेजुएशन में अपियर करते हैं, दोनों एग्जाम ऑनलाइन होती है। और ये यूनिक बात है कि स्कोरिंग सिस्टम, मिनिमम 140 मार्क्स मिलते हैं सी के सी स्टेप वन में, मैक्सिमम 280। ऑल राइट, और ट्रेनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पासिंग मार्क्स 194 है, बट गुड स्कोर फॉर स्टूडेंट्स इज 240। अगर आपको अमेरिका में पीजी चाहिए तो
तो 250 मार्क्स 240 मार्क्स लाने हैं। बट चैलेंज कहाँ पर होते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं अब खुद से करते हैं, तो जो लोग खुद से करने की ट्राई करते हैं, आप अगर पास हो गए और आपको 240 नहीं आया, अगर 195 आ गया, तो दैट्स इट, आपका स्कोर 7 साल के लिए लॉक हो जाता है एंड यू कैनॉट इम्प्रूव। जैसे इंडिया में नीट की जितनी चाहिए उतनी अटेम्प्ट कर सकते हो, यूएसएमएलई में ओनली वन अटेम्प्ट है, अगर आप पास हो जाते हो तो आप 7 साल के लिए रिपीट नहीं कर सकते। सब बच्चों का टारगेट होता है कि यूएस में ही पीजी करना है, और यूएस में पीजी करने के लिए यूएसएमएलई की प्रॉपर कोचिंग चाहिए सो दैट यू कैन गेट 240। तो ये जो कोचिंग है प्लस एमबीबीएस डिग्री है, इसका खर्चा होता है 40 to 45 lakhs। तो स्टूडेंट्स हु हैव अ बजट ऑफ 1 crore, डोंट वेस्ट एनी, रादर इन 40 to 45 lakhs डू एन एमबीबीएस फ्रॉम रशिया, चाइना, यूक्रेन और इंडिया एंड स्टडी फॉर यूएसएमएलई, क्योंकि यूएसएमएलई ट्रेनिंग का खर्चा होता है। अमेरिका में आपको 3 महीने की क्लर्कशिप्स के लिए जाना पड़ता है, 3 महीने की अमेरिकन हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, तो इसका खर्चा टोटल मिला के 25 लाख का हो जाता है। तो टोटल 40-45 में पूरा आपका खर्चा स्टेज वन का। अब यश कह रहे हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो कैसे बनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो जैसे ही आपने एमबीबीएस की डिग्री अचीव कर ली, स्टेप वन सीके सीएस पास हो चुके, तो आपका स्टेज टू हो जाता है। स्टेज टू में क्या होता है, आपकी पीजी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो 3 साल का इंटरनल मेडिसिन का कोर्स करना है, ऑल राइट, और मेडिसिन का कोर्स करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, आपको फाइनल एग्जाम अपियर करनी है मेडिसिन की। जैसे ही मेडिसिन की बोर्ड एग्जामिनेशन अपियर की, आपकी डिग्री हो गई इक्वल टू एमडी मेडिसिन इन इंडिया। आफ्टर दिस यू कैन आइदर कम बैक एंड वर्क इन इंडिया और यू कैन सेटल इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में सेटल होना है तो एक सिंपल स्टेप थ्री एग्जाम देना है। यूजुअली इंडियन स्टूडेंट्स इतना वेट करते नहीं है, यही स्टेज पे स्टेप थ्री देके लाइसेंस अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यश को बनना है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट यश कैसे बनेंगे, स्टेज थ्री में 3 साल का मेडिसिन के बाद 3 साल का फेलोशिप करेंगे, 3 साल का कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में सीवीडी का फेलोशिप होता है। उसके बाद यश एक प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अगेन इंडिया में वापस आ सकते हैं, इंडिया में डिग्री वेरी मच वैलिड है, या फिर अमेरिका में सेटल हो सकते हैं। उसका डिफरेंस क्या है, यश ने 40-45 लाख स्पेंड किया यहाँ पर, एमबीबीएस के पीजी के दौरान 1 करोड़ रुपए कमाया और सुपर पीजी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की उनकी सैलरी हो गई। और उसी के जब यश के जो फ्रेंड है जो इंडिया से पढ़ेंगे उनको इंडिया में नीट की पीजी एग्जाम देनी पड़ती है, और उससे भी डिफिकल्ट सुपर पीजी कार्डियोलॉजी के लिए नीट की एसएस एग्जाम देनी पड़ती है। और अगर वो ट्यूशन फी पे करना चाहे, गवर्नमेंट में तो मिलता नहीं है, प्राइवेट में उसके फ्रेंड 3 से 4 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे तब जाके कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, जबकि यश का 2.5 करोड़ का इनकम हो जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया है वो उनको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई यश इज चूजिंग एमबीबीएस abroad plus USMLE as a pathway, because Yash is understanding importance of investing 40 to 45 lakhs right now and then having a returns of 2.5 crore and becoming a cardiologist. So thank you Yash for you know confidence. And now the most important part, kyunki main ye question isliye pooch raha hu because aapka goal definition ekdam clear hona chahiye. एब्सोल्युटली हरप्रीत हो जाएगा, सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। आप हमारे हॉटलाइन पे जब कॉल करेंगे, हरप्रीत आप कौन से सिटी से हो एंड आपको पीसीबी में कितना मार्क्स है, अमृतसर से हो, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। तो आपको हमारे मोक्ष के काउंसलर्स कनेक्ट करेंगे हरप्रीत, एंड आपको एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई का बेस्ट ऑप्शन, ऑल राइट, 83%, वेरी गुड। तो डेफिनेटली, और आपका बजट कितना है, यू नो 30-40 lakhs का बजट है आपका, बिकॉज गोल डेफिनेशन बहुत जरूरी है। व्हाट्स योर बजट हरप्रीत, देर आर नो ट्यूशन फीस। मुस्कान मिर्जा, जो खर्चा आपको मैंने बोला वो सिर्फ यूजी लेवल पे है, इनिशियली 30-40 lakhs का ही खर्चा करना है, यूएसएमएलई एग्जाम्स और वो सब, परफेक्ट हरप्रीत। तो आप डेफिनेटली
मोक्ष के काउंसलर से बात करिए। मुस्कान मिर्जा, अमेरिका में जब पीजी करते हो ट्यूशन फी नहीं रहता, आपको सैलरी मिलती है, ठीक है? आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ। इंटरनल मेडिसिन पीजी Y1 सैलरी, जैसे इंडिया में पीजी की फीस दी जाती है हर वेबसाइट पे, हर कॉलेज की वेबसाइट पे, वैसे अगर आप अमेरिका में जाओगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सैलरी दी जाती है। USFLE एग्जाम का और क्लर्कशिप्स का जो खर्चा है वो 20 to 25 लाख का है, बट एक साथ में नहीं है, मॉड्यूल वाइज है। फर्स्ट मॉड्यूल का खर्चा सिर्फ 5 लाख है। वो कैसे होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, पर पहले आपको समझना होगा कि अमेरिका में पीजी के लिए ट्यूशन फी नहीं होता है। जो भी आपका खर्चा है दैट इज फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज उसके बाद आप जैसे पढ़ रहे हो ये सैलरी मिलती है। इस साल मेरा स्टूडेंट अमेरिका गया है, 1 जुलाई मंडे को उसके क्लासेस चालू हो गए न्यू जर्सी में, और उसका सैलरी है 37 लाख, ठीक है? सो दिस इज द सैलरी यूच यू गेट वाइल यू आर स्टडिंग पीजी के पहले साल में। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? 6 पेड लीव्स, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम फॉर फैमिली, रीइंबर्समेंट फॉर सर्टिफिकेशन, रिसर्च बेनिफिट्स, अवार्ड्स। सबसे खर्चा ज्यादा अमेरिका में होता है फॉर एनी फिजिशियन इज इंश्योरेंस, तो वो भी कॉलेज खुद देती है। हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल, लाइफ इंश्योरेंस, मील्स, फूड, वेकेशन, पर्सनल हॉलीडेज का बेनिफिट्स। तो जैसे आप जॉब कर रहे हो वही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट बुक्स का भी खर्चा करना, अगर पीजी के लिए पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए तो उसका भी स्टाइपेंड मिलता है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए सब स्टूडेंट्स USMLE का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि USMLE के जो कोचिंग होता है उसमें 4 मॉड्यूल का कोचिंग मोक्ष प्रोवाइड करता है, एंड टोटल खर्चा 25 लाख इसमें होता है, ठीक है? और वो भी आपको साथ में नहीं करना, सिंपल है। जितने भी स्टूडेंट्स मोक्ष के थ्रू अब्रॉड जा रहे हो USMLE का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो इनिशियली सिर्फ मॉड्यूल 1 करते हैं 2 साल का, only 5 लाख, जिसमें आपको प्री क्लिनिकल फाउंडेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं, जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग इन अ US मेडिकल स्कूल। एवरी वीक में सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं, वीक डे में LinkedIn पासवर्ड पे आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, तो एकदम डिटेल्ड में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग, CV बिल्डिंग में हेल्प किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। और जब तक आपको प्री मेडिकल में 75% मार्क्स नहीं आते, हम आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट नहीं करते। आपको टोटल 25 पे करने के बाद पता नहीं चलेगा आपको एडमिशन मिला या नहीं, बट अगर मॉड्यूल 1 में अच्छा मार्क्स नहीं मिला नो प्रॉब्लम, आपका प्लान भी रेडी है, आप इमीडिएटली अपना FMG कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऑप्शन मोक्ष ने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऑप्शन देना है, अगर आपसे USMLE नहीं हो पाता नो प्रॉब्लम, बट टोटल खर्चा 25 लाख है, जिसमें आप बहुत मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो अमेरिका में क्लर्कशिप्स के लिए, ठीक है? मॉड्यूल 1 इज चीपर, इट्स जस्ट 5 लाख, मॉड्यूल 2 इज जस्ट 6 लाख, बट फॉर 4 ईयर्स। पहला मॉड्यूल 2 साल के लिए, दूसरा मॉड्यूल 4 साल के लिए, और बाद में अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में आपको 3 महीने के लिए रोटेशन के लिए हम भेजते हैं, इसमें आपका 15 लाख का खर्चा होता है टोटल, ठीक है? तो ये जो फीस होती है वो हम नहीं चार्ज करते, वो अमेरिकन हॉस्पिटल करती है, प्लस वहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का ट्रेनिंग और CV बिल्डिंग में हम हेल्प करते हैं, ठीक है? तो दिस इज हाउ द एक्सपेंडिचर वर्क्स। इट इज स्प्रेड आउट ओवरऑल 25 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु विन एन अपॉर्चुनिटी टू डू फ्री स्कॉलरशिप्स पे क्लर्कशिप्स ऑल्सो। स्टेप 1 अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपका बजट अप्रोक्सीमेटली 40 होना चाहिए। अगर आपको क्लर्कशिप फ्री में मिल गई तो 40 लाख के अंदर भी USMLE हो जाएगा, नहीं तो 40, बट दैट इंक्लूड्स MBBS अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर USMLE? जैसे आपने कहा,
आपको बताया। मीर प्रिंस अली, वाई पीजी इन यूएस इज फ्री? आई वी शुड आस्क डोनाल्ड ट्रम्प, बट द रियलिटी इज पीजी अब्रॉड में सब जगह पर फ्री है। ठीक है, आप वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंट्री में चले जाए, पीजी फ्री होता है, बट सीट्स अमेरिका में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको समझना है, बिकॉज यूएस में देर इज अ ह्यूज शॉर्टेज, जैसे इंडिया में भी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। इंडियन गवर्नमेंट के पास फंडिंग या पैसे नहीं है टू गिव एनी बेनिफिट्स, बट यूएस में वो शॉर्टेज है, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि उनको पेशेंट्स उनके लिए उनके पेशेंट्स के लिए मोर एंड मोर डॉक्टर रहे। ऑल राइट, एंड दैट इज वाई कोई डॉक्टर्स लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है फॉर एडमिशंस, फॉर वीसा नो प्रॉब्लम। आई होप यू आर एबल टू सी द स्लाइड। व्हाई विल यू बी इन डिमांड इन अमेरिका? बिकॉज 2030 तक अमेरिकन सिस्टम में 1,21,000 डॉक्टर चाहिए, मगर उनके पास सिर्फ 42,000 डॉक्टर्स रहेंगे, इसीलिए आपका डिमांड हमेशा रहेगा इन अमेरिका। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कि वो लोग क्यों ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, पीजी फ्री में क्यों करवाते हैं, क्योंकि मेजर बेसिक डिफरेंस उनका और अपना है, वो है नंबर ऑफ सीट्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये जो येलो लाइन है, ये आपकी एमबीबीएस की सीट्स है। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये आपकी पीजी की सीट्स है। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपकी वेकेंट सीट है। ठीक है, अब जो पीजी की सीट है, हर साल एमबीबीएस से ज्यादा है, तो हर साल सीटें वेकेंट जाती है, एंड इसीलिए जो वेकेंट सीट है आप जैसे डॉक्टर्स को मिलती है। इंडिया में मैथ्स गणित पूरा उल्टा है। इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स है 80,000, और पीजी की सीट है ओपन कैटेगरी में सिर्फ 14,000, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया में हर 10 लोगों में एक को एडमिशन मिलता है, और अमेरिका में हर 2 में 1 को एडमिशन पीजी में मिलता है, बिकॉज वहां पर पीजी की सीट डबल है एमबीबीएस की सीट से। 2019 की बात है, हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, क्योंकि 32,000 पीजी की सीट थी और 17,000 एमबीबीएस के बच्चे थे उनके पास, तो 14,000 करीबन सीट्स अवेलेबल थी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट इंडिया की कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, आप एम्स में चले जाइए, केएम में चले जाइए, या कोई प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, सब बच्चों को पूछिए आप क्या कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, सब कहेंगे हम यूएसएमएल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सबको पीजी अमेरिका में ही करना है। पीजी फ्री है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन हायर है, और इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप है। इनिशियली पहले मॉड्यूल का सिर्फ 5 लाख रुपया है, एंड देन इट इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट क्लैरिटी वेदर मुझे एडमिशन मिलने वाला है या नहीं। इसलिए मोक्ष सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ ये प्रिपरेशन करवाता है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू नाउ। गुड क्वेश्चन मीर अली। ऑल राइट मंजय कुमार, व्हाट इज योर क्वेश्चन अबाउट विनीत्सा नेशनल कॉलेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स फ्रॉम विनीत्सा डेफिनेटली कैन गिव यूएसएमएलई। एक स्टूडेंट ने पूछा था, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सेकेंड क्वेश्चन, उसका बजट क्या है, खर्चा कितना होता है, तो सिंपल है, मेरे लिए एक कॉमन वेबसाइट है mooc16.com। ऑल राइट, अगर मुझे कोई भी क्वेरी है, मैं चूज योर यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, यूक्रेन में चला जाता हूँ, और सा यहाँ पर मुझे कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट यूनिवर्सिटी, एडमिशन है, फीस कितना है, कोर्स कितना है, एवरी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। बजट कितना होगा, कॉस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं, 50% प्लस नीट क्वालिफाइड, तो यहाँ पे मैं ब्रोशर डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर कुछ क्वेरी है, इंस्टेंटली यहाँ पे काउंसलर्स के साथ बात कर सकता हूँ, इमीडिएटली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव चैट पे आपको काउंसलर सब समझा देंगे। ग्रेट, आई होप इट इज क्लियर, परफेक्ट। मुशीर खान, वो भी कर सकते हो एमबीबीएस रशिया में, बट ओनली टॉप मेडिकल कॉलेजेस, नॉट ऑल कॉलेजेस आर गुड इन रशिया, आई टोल्ड यू अर्लियर। सो वी डिसेंट कॉलेजेस इन रशिया, क्रीमियम, फेडरल, पिरोगो, कजान,
तो ये सब ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्रीमिया में 70% अप चाहिए केमिस्ट्री एंड बायो में, तभी एडमिशन मिलता है। ठीक है, नीट अनक्वालिफाइड आई कैन रिकमेंड यू बेस्ट टू ऑप्शंस। ठीक है, दो अच्छे ऑप्शन रिकमेंड कर सकता हूँ विद यूएसएमएलई। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, हियर इट इज द फर्स्ट ऑप्शन यू कैन कंसिडर इन रशिया विल बी समारा। सो यू हैव टू सी व्हाट्स योर बजट, तो इफ दिस इज योर बजट तो आप यूएसएमएलई कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इन नीट, एंड सेकेंड ऑप्शन इज यूक्रेन। सो टू ऑप्शन विच यू कैन सिलेक्ट, कौन सा वाला सही लगता है आप देख लीजिए, अपना रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, ओडिशा एंड समारा ये ऑप्शन आप कर सकते हो। ओडिशा करेंटली इज नॉट अप्रूव्ड बाय एमसीआई फ्रॉम दिस ईयर, एंड सिंस यू आर नॉट क्वालिफाइड बाय नीट सो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू योर एमबीबीएस फ्रॉम ओडिशा एंड चूज द यूएसएमएलई पाथवे एंड यू कैन सेटल इन द अमेरिका। ऑलराइट, एंड जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको लेटर ऑन कैनेडा में सेटल होना है वो भी पॉसिबल है हरप्रीत। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नॉट एट ऑल दिनेश, वाई आर यू सिलेक्टिंग दिस कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज, स्मॉलर यू नो, सिलेक्ट रशिया, यूक्रेन, चाइना, यू नो दीज आर द कंट्रीज वेर यू हैव टू स्टडी। एब्सोल्यूटली मोहम्मद रफी, तो नीट तो लगेगा, नीट तो कंपल्सरी है। तोरण लाल देवनगन, जो रूल्स रहता है वो हर साल के रूल्स चेंज होते, पर्टिकुलर ईयर में चले गए तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तोरण लाल का क्वेश्चन है, अगर इस साल यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है, नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस साल में जाते हो वो साल में अगर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर एमसीआई अपना लिस्ट यू नो अपडेट करती है और वो ही कंसिडर करती है फॉर योर फाइनल रजिस्ट्रेशन। सो डोंट वरी अबाउट दिस, एमसीआई हैज यू नो मेड द लिस्ट फॉर 2019, सो यू कैन फॉलो दिस लिस्ट। बट इसमें आप देख सकते हो यू नो दी कंट्रीज नेवर कंसिडर, यू नो तो बहुत सारे कंट्रीज आर नॉट रेलेवेंट एंड गुड। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्ट सेशन के स्टार्ट में ही बताया था कि चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, अल्टीमेटली ओनली 45 यूनिवर्सिटीज आर वर्थ गोइंग। ठीक है, अराउंड 325 प्लस चाइना की अगर हम पकड़ ले 45, सो टोटल आर अबाउट 450 कॉलेजेस, जिसमें सिर्फ 10% 45 यूनिवर्सिटीज आर वर्थ गोइंग। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल यू। तो ये क्लैरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्लैरिटी ऑफ बजट आपको रखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट परफेक्ट यार, सो हरप्रीत कौर आप ओडिशा के लिए जा सकते हो, गुड, वेरी गुड। एंड इट इज ऑल्सो यू नो इट अलॉन्ग विद दिस यू गो फॉर यूएसएमएलई एज एन ऑप्शन, तो आपका यूएस का पाथवे हो जाएगा, परफेक्ट है। तोरण लाल, स्कॉलरशिप के लिए मोक्स की स्कॉलरशिप टेस्ट आप अपियर कर सकते हो। वी कंडक्ट द स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी डे 4:30 to 6 PM एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप अप टू 3 crore इन डिफरेंट क्राइटेरिया एंड डिफरेंट यू नो पैरामीटर्स। ठीक है, मंजय कुमार, सेम फॉर यू, 570 नीट इज अ वेरी गुड स्कोर। All right, so you, if you appear for the mock scholarship test, you can opt for good colleges. China actually would have been best for you, but I am not sure how many seats are now available. Okay? Prince Ali, don't even think of UK now. Why are you even still thinking of UK? I just showed you what is the problem faced by people in UK. आपको प्रॉब्लम का इश्यू बताया, और कितने इश्यू जानने हैं आपको? UK, PG. Lab, visa, rejection. पिछले न्यूज़पेपर में कितने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आ रहा है, कितने ज्यादा लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, रियलिटी, 70% ऑफ डॉक्टर्स आर स्ट्रक ऑफ,
वीजा रूल स्ट्रिक्ट बना दिए हैं, वीजा नहीं मिल रहा है, दिस इज द रियलिटी। क्यों आपको ऐसी कंट्री में जाना है, आपका फ्यूचर सेफ पे हो, ना वीजा मिलता है, रेसिज्म इन्वॉल्व है, एंड मोर ओवर कंप्लीट पार्शियलिटी है। आपको बता किस तरह का पार्शियलिटी, इस ईयर भी इंडियन बैपियो करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कंप्लेंट किया है कि इंडियन डॉक्टर्स को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, अगर यूके के डॉक्टर हो आपको कम भरने का है, अगर आप इंडियन डॉक्टर हो तो अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप एमबीबीएस कर, आपको ज्यादा टैक्स भरने का। तो दिस इज कंप्लीट कंप्लीट पार्शियलिटी। तो वी वांट टू लिव इन अ कंट्री विद सेकंड ग्रेट सिटीजन, ठीक है, सो डोंट सच ऑप्शंस, ऑलराइट, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हिच ऑप्शंस यू आर सिलेक्टिंग। यूके शुड नेवर बी एन ऑप्शन, व्हाई वेस्ट मनी एंड नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी वेयर योर टैलेंट इज अप्रिशिएटेड, सिलेक्ट अ कंट्री वेयर यू हैव अ करियर, ऑल राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नो अतुल मिश्रा, आप नीट के बिना इंडिया में नहीं आ सकते। अगर आप नीट अनक्वालिफाइड हो तो आप इंडिया में एमबीबीएस खत्म करके नहीं आ सकते, आपको एमसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं देने वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी अदर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? मुस्कान मिर्जा, आफ्टर क्लियरिंग यूएसएमएल इट इज नेसेसरी टू क्लियर एफएमजी? नो, यू डोंट हैव टू गिव यूएसएमएलई, आई मीन एफएमजी, अगर आपने यूएसएमएलई क्लियर किया है, ठीक है, गुड। एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव स्टूडेंट्स? क्विकली, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट यू क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स, ऑलराइट। एंड अदरवाइज अगर आप मोक्ष इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, मोक्ष 34-35 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया where you can personally visit and clarify all your further doubts. So I hope this is clear for student, actually helped you make a decision making. So hope, you know, this webinar was helpful. Thank you, students. So I will end this session. Any further queries, feel free to connect. Thank you.